कैंट पुलिस ने लूट के आरोप में वांछित दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को जेजे बोर्ड ऑफिस के सामने से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान दीपक शाहनी पुत्र रविंद्र शाहनी निवासी ग्राम डुहिया थाना खोराबार जनपद गोरखपुर, दूसरा राहुल साहनी पुत्र कन्हैया साहनी निवासी ग्राम बनगाई थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से घटना में छीने गए 300 रुपए व घटना में प्रयुक्त डंडा बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 19 जुलाई को रात्रि 10:30 बजे छात्र संघ चौराहे के पास हम लोगों ने एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने का प्रयास किया था तथा जब उस व्यक्ति ने विरोध किया तो उसे डंडे से सर पर वार किए तथा उस व्यक्ति के जेब से झपट्टा मारकर 300 रुपए छीन लिए थे। हम लोगों ने इसी तरीके से आसपास के क्षेत्रों में कई अन्य घटनाएं भी की है। घटना के दौरान बाइक दीपक चला रहा था तथा पीछे बैठा राहुल शाहनी ने झपट्टा मारकर 300 रुपए छीन लिया था तथा मोबाइल छीनने पर विरोध करने पर राहुल शाहनी द्वारा उस व्यक्ति के सर पर वार किया गया था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी सचिव भूषण राय, उप निरीक्षक रवि कुमार राय, महेश कुमार चौबे, राजवंश सिंह, कांस्टेबल यशवंत सिंह, राहुल कन्नौजिया, शरद यादव शामिल रहे। आराम से दे दे।